स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में समझते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आते हैं, साथ ही साथ थ्योरी में भी आ जाता है। देखिए लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फंड, ऐसे सीक्वेंस में आप याद करो। लाइमन की बात करेंगे तो 1/λ = r(1)(1)² - 1/n², जहां पर n की वैल्यू 2, 3, 4 से स्टार्ट होगा। हमेशा ध्यान रखिए बच्चों की, अगर n = 2 लिखोगे तो आपकी लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और अगर आप n की सबसे मैक्सिमम वैल्यू लेंगे यानी इन्फिनिटी, तो लैम्डा आपका मिनिमम हो जाएगा। अब बामर में हमें क्या चेंज करना है, यहाँ पर 2 लिखना है। पाशन में हमें क्या चेंज करना है, यहाँ पर 3 लिखना है। ब्रैकेट में यहाँ पर 4 लिखना है, और फंड में आपको यहाँ पर क्या करना है, 5। बाकी सभी के लिए मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए वही कंडीशन कि n की सबसे कम वैल्यू रखोगे तो लैम्डा मैक्सिमम होगा, n की सबसे बड़ी वैल्यू यानी इन्फिनिटी रखोगे तो लैम्डा आपका मिनिमम हो जाएगा। मजा आया ये रिवीजन तो फिर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा सुपर फास्ट रिवीजन के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।